वेलकम आदाब सुस्वागतम वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कि आज की शाम में एक बहुत इंटरेस्टिंग, वैसे तो मुझे यकीन है कि जो भी यहाँ आता है बतौर हमारे मेहमान के इंटरेस्टिंग ही होता है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत खूबसूरत औरत से आज मुलाकात करते हैं, कुछ बातें करते हैं। और मुझे ज़्यादा अनोखी इनकी शख्सियत इसलिए लगती है क्योंकि एक आर्टिस्ट, एक एक्टर जिन तीन मीडियम्स के साथ जुड़ सकता है, मेरा मतलब है थिएटर के साथ या टेलीविज़न के साथ या सिनेमा के साथ, इन तीनों मीडियम्स के साथ ये जुड़ी हैं, बहुत कामयाबी से काम किया है, कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं जिक्र कर रहा हूं किरण खेर साहिबा का, और मैं दावत भी दे रहा हूं कि किरण साहिबा फौरन तशरीफ लाएं, स्टेज पर आएँ। आइए किरण जी। शुरू ही से आपको शौक था कि मैं एक और सिर्फ एक काम करूंगी और वो है एक्टिंग, चाहे थिएटर में कहूं, टेलीविजन में करूं या सिनेमा में करूं। यू आर राइट। लेकिन आपके घर में ऐसा कौन था जिसको ऐसा कोई शौक रहा हो या जिसने कहा हो कि भाई किरण तुम्हें भी अब ये करना चाहिए? किसी ने ये नहीं कहा कि ये भी करना चाहिए, लेकिन मेरी माँ, माई मदर वॉज अ वंडरफुल एक्ट्रेस इन ऑन स्टेज इन कॉलेज। एंड जब हम कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ में गए, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर में पढ़ी हुई हैं, तो वो कुछ जो पुरानी प्रोफेसर्स थी उनके ज़माने की, जब मुझे मिली तो उन्होंने कहा, अरे तुम जीती की बेटी हो तभी तो, बिकॉज माई मदर वॉज द कैप्टन ऑफ ऑल द टीम्स इन स्पोर्ट्स, शी वॉज द बेस्ट ऑलराउंड स्टूडेंट फॉर 4 years, शी स्टूड फर्स्ट एवरी टाइम एंड शी वॉज अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड शी वॉज अ ग्रेट सिनेमा एस्थीट। अच्छा सिनेमा अप्रिशिएट करना, देखना, सराहना मुझे मेरी माँ से मिला विरासत में। जितनी तारीफ आपने की है, मैं आपकी माताजी को तो बुलाता ही हूँ, मैं आपके वाले साहब को भी बुलाता हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। प्लीज तशरीफ लाइए। आदाब आदाब, नमस्कार जी, प्लीज तशरीफ रखिए। सिंह साहब आइए प्लीज, आइए सर। ये तो हमने बहुत सुना है कार्यक्रम में भी, वैसे आम जिंदगी में भी देखा है कि माएँ अपनी बेटियों की बहुत तारीफ करती हैं, लेकिन ये बहुत कम देखने में आता है कि बेटी जो है उससे ज़्यादा तारीफ अपनी माँ की कर दे। तो मैं एक तो ये आपसे पूछूं कि जो किरण जी कह रही थी कि आप भी अपने कॉलेज के ज़माने में, स्कूल की पढ़ाई के ज़माने में बहुत एक्टिव थी, हर जगह इन्वॉल्व थी और बहुत पेश आगे रहीं, क्या ये बात वाकई सच है? और एज फार एज आई रिमेंबर, राइट फ्रॉम क्लास 3 मैं हमेशा से ही नंबर 1 रही हर चीज़ में, स्पोर्ट्स, स्टडीज, गेम्स, ड्रामेटिक्स, सब कुछ वॉश ऑफ करती। इसीलिए इट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, बिकॉज मुझे याद है कि जब हम, मैं शायद सेकेंड स्टैंडर्ड में थी, मेरठ में हम पढ़ते थे, माई फादर इज एन आर्मी कर्नल एंड ही वॉज पोस्टेड देयर, तो जाड़े में ये सुबह सुबह मेरे को 5 बजे उठाकर पढ़ाया करती थी, और एक बार शायद मेरे 98 आउट ऑफ 100 आए थे, व्हेन आई केम होम शी सेड मेरे 2 मार्क्स कहाँ हैं, मेरे 2 नंबर कहाँ हैं। सो इट्स बिन अ बिग, इट्स बिन अ वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप, बिकॉज कई दफ़ा मन ना करते हुए भी चीज़ें करनी पड़ती थी, लेकिन वो सब जो है अब काम आ रहा है और अब बहुत से 2-2 मार्क्स जो हैं आपको अब देती चली जा रही हैं। इनकी बहन जो हैं वो तो बहुत नामी खिलाड़ी, कुछ बात सुनते हैं। यू रिमेंबर मम्मी यूज्ड टू ऑलवेज पुट द 3 ऑफ अस, यू भैया एंड मी, इन इवेंट्स सच एज फैंसी ड्रेस, एंड व्हेनेवर वी वेंट फॉर आवर मैचेस, यूजुअली यू वुड ऑलवेज, यू वुड नेवर फॉरगेट टू pack your party clothes, but sometimes you would forget the playing kit and then you would want mine, the best one. I just wanted to tell you that you are the best sister one could have ever asked for.
Hi, Peepuji. I wish I was there to see you for the show. I'd like your taste in clothes because it reminds me of Papa. Love you. Hi, Peepuji. I love you. See you soon. Bye. Yeah. That's my brother who recently passed away. Sir, बहुत काबिल बेटी, बहुत काबिल बेटी, all rounder बीवी. Did you, as an army man, think कि जो है मेरी बेटियां जो हैं या स्पोर्ट्स की चैंपियन तो बनेंगी बनेंगी लेकिन जो है बहुत मशहूर कलाकार हो जाएंगी. डिड यू हैव एनी आइडिया ऑफ दैट? शी वाज डूइंग दिस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. यू नो इन कॉलेज शी वोंट बॉदर मच अबाउट एजुकेशन. वो तो कहती वो तो हो ही जाएगा. व्हेन शी टुक अप दिस थिएटर द एग्जामिनर्स केम फ्रॉम दिल्ली एंड दे आस्क्ड मिस्टर गार्गी वी डोंट नो इनके कहाँ से नंबर काटे हैं उनका. He was all rounder. So you've been surrounded by excellent women. Yes. Welcome back. Video con Jeena Isi ka naam hai. Mulaqat ho rahi hai Kirron Kher se. Ab Singh saab jab yahan bagal mein khade the to unhone ek bahut mashhoor aur bahut baqaar ba izzat shakhsiyat ka zikr kiya, Gargi saab ka, ki wo jab aaye university mein aur Kirron us waqt padhti thi तो उन्होंने किरण को जो है चुना अपने प्ले के लिए. किरण ये कैसे हुआ? बिकॉज गार्गी साहब इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स दैट वी हैव इन दैट थिएटर. आई वाज स्टडीइंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश थिएटर डूइंग आई एम सॉरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डूइंग माय एमए एंड गार्गी साहब वाज कास्टिंग फॉर अ प्ले कॉल्ड डिजायर अंडर द एल्म्स बाय यूजीन ओनील. तो वो हमारी क्लास में आए तो वो ऑडिशन के लिए पूछ रहे थे. तो उन्होंने कहा डज एनीबॉडी वांट टू ऑडिशन एंड आई रिमेंबर आई पुट माय हैंड अप amidst other girls. It was the role of Abby. It's a classic role. Gee. 35-year-old woman, and I think I was all of 19 at that time. And she's seducing her stepson. Usko padke main thodi si ghabra gayi. But then I put myself into it, and I went ahead and I did it. And after the audition, he said, that's it, give her the script. And he didn't audition the others. Uske baad unhone wo play kiya, Desire Under the Elms. Usi play ke saath baad mein shuruaat बॉम्बे में हमने की. अनुपम और मैंने उसमें काम किया, दोबारा किया वो प्ले. पहली बार अंग्रेजी में किया था. देन आई जॉइन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर. आपने जिनका नाम लिया मैं पहले उनको बुला लूं. अनुपम प्लीज तशरीफ लाएं. अनुपम, जहाँ तक मेरी जानकारी आप इनको चंडीगढ़ के ज़माने में भी देख चुके थे. मैं इनको अखबारों के जरिए जानता था. व्हेन आई वाज इन शिमला आई यूज्ड टू रीड अबाउट दिस गॉर्जियस गर्ल एंड टू सिस्टर्स किरण ठाकुर सिंह एंड कमल ठाकुर सिंह. ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस, ब्रिलियंट स्पोर्ट्स पर्सन. देन आई वेंट टू इंडियन थिएटर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर. देन शी वॉज देयर एंड आई मेट हर ड्यूरिंग द रिहर्सल ऑफ अ प्ले कॉल मिर्जा साहिमा. एंड बट इट वॉज जैसे वो दूर से देखने वाली बात. नहीं नहीं, मुलाकात होती, मतलब इनकी तरफ इन्होंने एक सरसरी नज़र मुझ पर डाली थी और मैं निकल गया था अपने लाइब्रेरी की तरफ. जी. और बट आई व्हाट आई रिमेम्बर्ड अबाउट हर बेबाक लाफ्टर एंड फुल ऑफ लाइफ एंड येट नॉर्मल येट डाउन टू अर्थ येट स्टिल लार्जर देन लाइफ. But then I think life moved ahead and I did some plays, but she liked me very much in my plays. I did. I liked him as a friend also. Because he was great fun. It was great fun. He bahut hasate the, mazak karte the. So I used to enjoy his company very much. Meri zindagi mein mera sense of humor hamesha kaam aaya. Jis daur ka zikr kar rahi hai Punjab theater ka, hum pehle kuch tasveerein uski dekhte hain aur fir aage baat karte hain. Yahan dekhte hain. Kirron, we're all together over here and remembering the great old days, the midnight picnics when we almost got caught by your parents. But of course, your gift with words got us out of it and you pretended that we'd gone for a secret seven meeting. Hello.
Hi, Kirron. I often think about all the times that we spent in college together, walking down the street from your house to my house and planning all the parties that we were going to go in the afternoon, as we were not allowed to go for late night parties, and planning what we were going to wear and who we were going to dance with, and just having a good time. Hi, Kirron. Remember those wonderful days in the Serene Dharamsala? All your acting in the university days, on and off the stage. You have really gone and proved it to the world that you are a true professional. We are so proud of you. Keep it up. We are waiting for you to come back to Chandigarh and help us raise funds for the Blood Bank Society. Hi, Kirron. Chandigarh was never the same after you entered our lives. Remember this? This is our budding modeling career, which never really took off. Love you. Chandigarh was never the same after Kirron arrived. Then Kirron, you shifted to Delhi. No. I came to Bombay. He shifted to Delhi. I went from the Department of Indian Theatre. I went to the National School of Drama, and then we did not see each other for a long time. Many years. After I passed out from drama school, then I went to Lucknow to teach in the Department of Drama. Then when I came to Bombay finally to be an actor in movies, that's how I met I was her. Married to Gautam Berry. I had come to Bombay to be in films. Datsab, Sunil Dutt and Nargis Santi brought me to Bombay. मैं दत्साब की बात सुन लूँ, फिर उसके बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ. यहाँ सुनते हैं दत्साब. पहली बार तुम्हें याद है कि मैं ही तुम्हें मुंबई में लाया था. जब मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने तुम्हारी फोटोग्राफ्स देखी थी, क्योंकि तुम बड़ी अच्छी बैडमिंटन प्लेयर थी, तुम्हारी बहन भी अच्छी प्लेयर थी, तो उस वक्त हम एक फिल्म बना रहे थे, तो हमने सोचा कि ये लड़की जो है ये ज़रूर कुछ ना कुछ बनेगी, इसको क्यों ना फिल्म में लाया जाए. और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि आके तुमने मेहनत की और हारी नहीं तुम, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि जब तुम और अनुपम खेर दोनों एक दूसरे से मिले, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक चेंज आया खुशियों का, अवार्ड्स का. अनुपम ने तुम्हें बहुत इनकरेज किया, उसके लिए मैं उसको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि तुमने जिस मेहनत से, जिस लगन से फिल्मी दुनिया में आके अपना मकाम बनाया है. थैंक यू सर. ये क्योंकि आपकी फिल्म करियर का जिक्र हो चुका है, मैं एक साहिबा को यहाँ तशरीफ लाने की दरख्वास्त करता हूँ, वो आएँ. और वो मेरी भी दोस्त है, मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलके अनुपम के साथ फिर आपको घेरें. यहाँ प्लीज तशरीफ लाइए. बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई, और मुझे पता था कि आप मसरूफ हैं. माय फर्स्ट हीरो. हम लोग बात कर रहे थे कि दत्त साहब ने और नरगिस जी ने पहले किरण को देखा, उनका इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी टैलेंटेड लड़की है, इसको क्यों ना चांस दिए. फिर वो आपको किसी फिल्म में कास्ट भी किया उन्होंने, इत्तेफाक से वो फिल्म बनी नहीं, पता नहीं क्या दरमियान हो गया. आई थिंक काफी टाइम निकल गया, एंड देयर वाज सम फाइनेंशियल दिस थिंग, दे कुडंट मेक द फिल्म, दे डिडंट मेक द फिल्म. कल्पना, आपने किरण का कौन सा काम कब देखा था जिसके बाद आपने सोचा, क्योंकि जो रोल इन्होंने दरमियान में किया वो मुश्किल रोल है. बहुत मुश्किल. एंड इट्स लाइक अ टाइट रोप वॉक. You know, it's not because I saw Kirron in any film. I saw her one night very cozily cuddling with Anupam in Nadira Babbar's house when they were just before his Saranj. And she was so stunningly beautiful and lively. And, you know, I mean, she was the center of attraction. And I felt I must work with this girl. But I wasn't sure whether, you know, she would come into films or not.
years later, again, I saw her sitting very regally with gajras in her hair, and I felt this is Zeenat Begum. Secondly, you know, this the story of Zeenat Begum was someone who has to look beautiful and ugly. Somebody who has to have the courage to come across an actress who's sinking into insanity and oblivion. Uske liye bahut, matlab, intellectual involvement bhi lagta hai, time involvement lagta hai. It's not that Kiran was the first person I went to. I went through a whole gamut of well-known actresses, and everyone had cold feet because they didn't want to play real. And I'm not saying this to please Kiran, but truly among my five films of a short career, I think Darmia is my best work, and that's all due to Zeenat, not Kiran. When I hear about a role that excites me, the minute I hear the story, or the it's just so clear in my mind and my heart what this woman is all about immediately. It's like it stems from within. It's almost as instinctive as when I know ki is saadi ke saath ye bindi aur ye chudiyan sahi lagengi, and no effort goes into that. I think I'm a prima donna by nature, by birth. So I cannot handle I cannot handle playing something lesser. 5 saal ke baad, 10 saal ke baad, where do you as a good, talented, well spoken of filmmaker see Kirron Kher? I told her, I don't know if she remembers, when we were doing Darmia, I kept on telling her, I said that why are you sitting at home and appearing for exams every year in every class with Sikandar? When are you going to get out and have a retrospective of work like the other well-known actresses like Shabana Azmi and Smita Patil? And believe me, it's amazing. I spoke to her like this, I think it was 1996. And today it's 2004. And I would say she has equaled them, if not bettered them, in the quality of work and quantum of work. I think it's all credit to her. Fantastic. Welcome back. Kiran Kher se baate ho rahi hai. Video con Jeena Isi ka naam hai. Hum Kiran se baate kar rahe hain. Darasal, कल्पना को कहीं जाना भी था किरण, तो इसलिए उनको हमने पहले बुला लिया. लेकिन मैं चाहता था कि दत्त साहब के उस फिल्म के जिक्र के बाद जो है किसी और साहब को बुलाऊं जो वैसे ही आपके बहुत बड़े फैन भी हैं और आपको उस जमाने से जानते भी हैं. मैं बुलाता हूं उनको. प्लीज आइए सर, तशरीफ. प्रवीण साहब बहुत शुक्रिया. आइए ना सर. सर हम लोग सब मिलके जो है किरण की तारीफ़ कर रहे थे, और किरण कह रही थी कि जब वो आई बम्बई में और दत्त साहब ने उनको पहला ब्रेक दिया, इत्तेफाक से वो फिल्म नहीं बनी. लेकिन उस ज़माने में तकरीबन आप भी किरण से मिले थे, सो उसका कुछ जिक्र करें. देखिए, मैं इसीलिए इनके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ. वाकई अच्छा कि वो जो इनको मेमोरी लेन में लेके जाए जी. ये देखिए लैला रूह. क्या आपने इनका नाम क्या बताया? लैला रूह. पुरानी तस्वीरें देखकर बहुत तकलीफ होती है क्योंकि इंसान जवानी में इतना अच्छा लगता है. अच्छा, अगर आपको बहुत ज्यादा बुरा ना लग रहा हो तो मैं कुछ और उस जमाने की तस्वीरें आपको दिखाऊं. ये किस्सा ऐसा है, दिस वॉज द फर्स्ट फिल्म आई वॉन्टेड टू मेक, एंड दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ अ जिप्सी गर्ल. सो वी वॉन्टेड टू कास्ट अ न्यू गर्ल. तो हम ढूंढ रहे थे लड़कियां, देख रहे थे, तो एक दिन एक जर्नलिस्ट फ्रेंड इनको लेके आए, एंड आई वॉज आई थिंक वी हैड अ मीटिंग एट सन एंड सैंड. तो द मोमेंट आई सॉ हर, शी वॉज सो गुड लुकिंग, बबली, vivacious, you know, she looked the part. So I said, I think I found the girl. And I went and called up, you know, हमारे उस टाइम अपने जो मेंटर्स गुरुज जो थे, अली रजा साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब, तो they were working on that subject with us. So I told them, I said, आप जल्दी से मेरे घर पहुंच जाइए, मुझे लगता है मुझे लड़की मिल गई है. तो कॉन्फ्रेंस जो ये थी कि मैं उसको लेके आऊंगा, पर आप लोग देख लीजिए कि फिर बारी बारी दूसरे कमरे में जाएंगे तो यू गिव मी योर ग्रीन सिग्नल ओपिनियन.
तो जी वो ऐसे ही हुआ जैसे एंटर की और जी एंट्री में कुछ 30 सेकंड्स गए होंगे तो वहाँ पे तालियां बज के माशाल्लाह माशाल्लाह लड़की नो कॉन्फ्रेंस नो नथिंग तो फिक्स हो गया। थोड़ी देर के बाद रजा साहब बोलते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की है ये नाम जरा आई एम सॉरी हाँ तो नाम बोलते पर किरण ठाकुर सिंह ये जरा जान ही रहा है। तो हमने कहा देखिए अब राइटर तो आप लोग हैं आप निकालिए क्या नाम हो सकता है इसके लिए। तो थोड़ी देर के बाद सोचते सोचते उन्होंने बोला लैला होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल बिल्कुल ये कहती है बिल्कुल नहीं मेरा नाम जो है वही रहेगा हैं। तो हमने पूछा भी लैला क्यों कहते नहीं ये जहाँ भी जाती होगी मजनू क्रिएट करती होगी तो फिर लैला से उन्होंने कहा लैला रू लैला जैसी एंड शी सेड आई एम डूइंग दिस फिल्म बट आई विल नेवर कीप माय नेम इज लैला रू बट द थिंग इज आई मस्ट से वन थिंग हियर व्हेन आई फर्स्ट केम टू बॉम्बे इनके घर में इतनी इज्जत मिली इतना अपनापन मिला और कभी किसी ने गलत नजर से नहीं देखा। ये फैमिली की बात चलिए तो मैं आपकी फैमिली को थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूं। प्लीज तशरीफ लाइए। Sekandar, is she a strict mother? Well, no, not really. Overprotective mother? Overprotective. Very overprotective. And she's been everything to me, you know, all my life. My mother, my father, my brother, my sister. Like the most, always. And she loves me the most in the entire universe. So I can say that with confidence. And I love her the most in the world. The entire universe. In the entire universe. आपकी फैन फॉलोइंग चूंकि अक्रॉस द एज स्पेक्ट्रम है एक और फैन आपके बारे में कुछ कह दें फिर हम बातें करते हैं प्लीज। हाय जेके इट्स मी अनफॉर्चुनेटली फॉर यू अभिषेक आई वाज आस्क्ड टू से सम इंटीमेट थिंग्स अबाउट यू बट देन आई रियलाइज दैट इफ आई लेट आउट ऑल योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स यू माइट गेट इनटू अ बिट ऑफ ट्रबल बट हियर्स टू द पर्सन व्हिच आई विल नेवर गो वॉच अ मूवी विद स्पेशली इन साउथ अफ्रीका And to the one person who's always been there for me in the middle of the nights, whenever I needed to talk to someone, and who always had some rather nasty namkeen ready for me to eat. And to the person who I remember playing with as a child, and to a person who I've grown up with, and to a person who's become a great friend. Thank you for always being there, and I love you very much. That was sweet. She's wonderful. वेलकम बैक। किरण खेर से बातें हो रही हैं और किरण खेर से जुड़े हुए बहुत अच्छे और खूबसूरत टैलेंटेड भले लोगों से बातें हो रही हैं और इस फेरिस्त को जो है मैं और थोड़ी सी तफसील इसमें बढ़ाना चाहता हूं। एक और शख्सियत को दावत देता हूं जो किरण खेर के बहुत अजीज़ हैं बहुत करीब हैं और बहुत हसीन भी हैं। प्लीज़ आइए। आइए आइए मिसेस खेर आइए प्लीज तशरीफ लाइए। मामा बैठ जाओ बैठो बैठो मम्मी जरा सोटी हटाना। डरो मत। माय मदर इन लॉ। जी जी जी। हम बातें कर रहे थे किरण से और अनुपम साहब से तो ये मालूम हुआ कि अनुपम ने तो उड़ती उड़ती नज़र बल्कि बड़ी गहरी नज़र चंडीगढ़ में डाली थी जब किरण ड्रामे कर रही थी और इस उम्मीद में डाली थी कि एक उड़ती उड़ती नज़र किरण भी मुझ पर डाल देंगी। आपने सबसे पहली बार किरण को कब देखा? जब बिट्टू की सारा आँख से मतलब चल रही थी तो तब मैंने तब मैंने इसको देखा तो मैंने कुछ बोला ही मुझे इतनी अच्छी लगी आपने आँखों में कह दिया बहुत खूब है बहुत बहुत मजा आया मम्मी कहती बहुत मजा आया मुझे तो बहुत ही मजा आया इसको देखकर मुझे पता नहीं क्या होता है जी मेरी बहुत अच्छा इनका काम इनकी फिल्में या इनके प्लेयर वगैरह आप देखती रही कैसे तभी तो मैं आई चाहे सामने सामने होगी जी मम्मी को अक्सर अपने बच्चों की चीजें अच्छी लगती हैं इनको हमारी सबकी चीजें अनुपम की भी मेरी भी शी लाइक्स आवर वर्क हमेशा मुझे बोलती थी तू क्यों नहीं करती काम तू भी करा कर मेरे इन लॉज अनुपम माय पेरेंट्स देव ऑलवेज बीन वेरी एनकरेजिंग इनफैक्ट मैं ही अक्सर काम नहीं करना चाहती थी बिकॉज मुझे लगा जब सिकंदर वाज फ्रॉम माय फर्स्ट मैरिज सो जब आई सेपरेटेड फ्रॉम माय हस्बैंड गौतम हु इज आल्सो अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स वेरी ही इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड आई फेल्ट आई नीडेड टू गिव मच मोर टाइम टू सिकंदर Because he needed to have a solid
grounding. He needed to have emotional security. So I opted not to work all those years for that reason. When he was 14, I started working again. एक और आपकी साथी हैं, आपकी दोस्त हैं, वो मिलना चाहती हैं आपसे. Please तशरीफ लाइए. Thanks to you. Adab, Neena ji. Neena is one of my dearest friends. Thank you for coming. Aap kab se janti hain Kirran? 1978, I remember very clearly, Kirran had just arrived into Bombay, I think a few weeks. I was completely captivated by her infectious smile, and nobody has mentioned your dimple so far. My husband was completely bowled over by her. Rajan and Neena were Gautam's friends. Ji. And I met them on Gautam's birthday. And we were such close friends that we actually accompanied them on their honeymoon. Well, she obviously shares your good taste in attire. She has fantastic taste in clothes and jewelry. No, it's thanks to Kirran. I used to accompany her sometimes shopping. And do you remember Nalli's? We went there and Kirran pulled out saris. And it was like a performance on stage. She'd take out the sari, she'd drape it, she'd say that I'm going to wear it with this parandi and with these bangles and this tikka. And it was amazing. It was... All of us were just staring at her, the salespeople. I think we were, I enjoy the romance of a sari and Indian accessories. Yes. And lots of things. I shared a lot. Video message of a very dear friend and who's also a very famous friend from here. Kirran ko jab pehli baar mila tha, mujhe yaad hai koi bahut saal pehle. Ab sant yaad nahi aa raha hai. Main Bandra mein rehta tha, ek bahut khoobsurat si ladki mere flat mein enter hui. Jisko hum bolte hain पंजाब की खूबसूरत अल्लड़ जवान लड़की एंटर हुई और मुझे उनकी रेफरेंस था मिस्टर बलवंत गार्गी का. लेकिन मैं उस वक्त पिक्चर बना रहा था तो मेरे पास कोई रोल नहीं था और आज तक ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस वक्त आती जब मैं पिक्चर नहीं बना रहा होता तो शायद मैं उसको हीरोइन ले लेता. और वक्त गुजर गया, बहुत सालों के बाद किरण फिर हमें मिली जब वो मिसेज अनुपम खेर थे. आज किरण और अनुपम खेर हमारी एक फैमिली का हिस्सा है. लेकिन फैमिली के हिस्से के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. किरण को मैं बहुत दिनों से बोलता था, किरण तुम फुल फ्लेज्ड फिल्मों में एक्टिंग करो, तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छी डांसर हो, तुम्हें जिंदगी के हर जिसको सेंटिमेंट को इमोशन को एंजॉय करने का एक आर्ट है. लेकिन कभी उसने वो सीरियस नहीं लिया है. अब एक दो साल पहले जब उसने काम शुरू किया, देवदास में कितने अवार्ड्स मिले, कुछ लेटेस्ट पिक्चर मैंने देखी खामोश पानी, उनको सारी दुनिया से बेस्ट बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिल रहे हैं क्योंकि वो बेस्ट एक्ट्रेस हैं. Yashji's new film. Yashji is directing this film. It is not yet titled. Mm-hmm. And I'm playing a very interesting role in that film. I'm sure you are. So, बहुत सालों के बाद, बहुत बार यशजी कहते थे, किरण रानी तू मेरी फिल्म में काम करना. एक दो बारी उन्होंने कुछ फिल्में मुझे ऑफर भी की, तो बट आई एम सो फ्रेंडली एंड सो फ्री विद देम दैट आई यूज़ टू से नहीं नहीं मुझे नहीं ये रोल करना, इसमें है क्या, मुझे नहीं करना, कोई अच्छा सा दोगे तो करूँगी. सो बिकॉज दे आर वेरी क्लोज, दे आर लाइक फैमिली. वेलकम बैक. किरण खेर से बातें हो रही हैं और आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि हम जो है किरण खेर की ज़िंदगी को कभी इधर से उठा लेते हैं, कभी उधर से देख लेते हैं, कभी इधर झांकते हैं, कभी उसका जिक्र करते हैं. वो दरअसल होता इसलिए है कि शी हैड अ वेरी मल्टी फैसेटेड लाइफ. बतौर एक्ट्रेस के जैसा मैंने अव्वल जिक्र किया था कि तीनों मीडियम्स में बहुत कामयाबी के साथ काम कर चुकी हैं. ऐसी एक शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ जो उनको उस ज़माने से जानते हैं. आइए प्लीज तशरीफ लाइए. आप किरण को सतीश कब से जानते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं पिछले जन्म में किसी खूबसूरत इंसान को जानता था और मेरी खुशकिस्मती है कि इस जन्म में भी इस जैसी खूबसूरत शख्सियत को मैं जानता हूं. अनुपम खेर की तरफ तो नहीं है? नहीं, मैं जब इनकी बात कर रहा होता हूँ ना तो मैं अनुपम खेर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता हूँ. आप लोगों ने कभी स्टेज पे साथ में काम किया? मेरे को
एक्चुअली काम करने का मौका मिला और वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है. एक्चुअली मेरी गलती नहीं है, मेरी किडनी की गलती है. मेरे किडनी में स्टोन हो गया था. एक्चुअली चंदनपुर की चंपा बाई एक म्यूजिकल प्ले नादरा बब्बर जी डायरेक्ट कर रही थी और उसमें ये लीडिंग लेडी थी और मैं लीडिंग एक्टर था. लेकिन मेरी किडनी ने मेरे को धोखा दिया और उसमें पत्थर आ गया और वो पत्थर जो है वो मेरी किस्मत पे लगा और वो रोल अनुपम खेर को मिल गया और उस वजह से अनुपम खेर और किरण खेर का रोमांस चालू हो गया और इन दोनों की शादी हो गई. तो मैं इस किडनी को है ना आज तक लेके घूम रहा हूँ. मैं आप ये किडनी को कभी माफ नहीं करूंगा. माफ नहीं करूंगा. नहीं सर, ठीक नहीं, तो प्ले के कारण नहीं. सब मजाक की बातें अलग, लेकिन वाकई में किरण को जानना जो है वो अपने आप में एक आप कह सकते हैं कि आपकी किस्मत है. अगर कोई दोस्त की दोस्ती को समझ सकता है तो किरण का एग्जांपल लिया जाए तो इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता. बिकॉज ये हमेशा दोस्तों की कदर करना जानती थी, दोस्तों को प्यार देना जानती थी. सतीश तो आप बहुत कामयाब फिल्म डायरेक्टर भी हैं अब, तो आपने और किरण ने कभी ये सोचा है कि भाई फलां स्क्रिप्ट में या फलां फिल्म में किरण को मैं ये हमेशा से वो रहे. लेकिन मैंने अभी तक इसके लिए लंबी हूँ आई इसके नहीं नहीं इसलिए कि हूँ इसलिए कि इनकी शिकायत है कि मैं इनको किसी पिक्चर में लेगा. लेकिन मेरे लिए यह है कि मैं किरण को अभी तक जितनी मैंने फिल्में बनाई हैं उसमें कोई ऐसा किरदार नहीं हुआ जो इनके लायक हो और जो इनके स्तर का हो. तो मैं जब तक मेरे स्तर के और मेरे लायक किरदार देता रहा. लेकिन हाँ मतलब मैंने कहा था ना मैं जब इनसे बात कर रहा हूँ तो मैं अनुपम के बारे में सोचता नहीं होता. एक्चुअली जाने भी दिया और फिल्म कर रहे थे उसमें एक एडिटर का रोल था जो हमने कुंदन हम लिख रहे थे उस पिक्चर को रंजीत कपूर और मैं. तो हमने कहा आप किरण ठाकुर सिंह का परफॉर्मेंस देख लो. तो कुंदन शाह हम सब लोग देखने आए, वो कुंदन शाह ने प्ले देखा कहने के मैंने कहा कैसे लगा, कैसी एक्टर है, बहुत कमाल है यार, बहुत कमाल है यार, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत नहीं चाहिए यार. डर गया इनकी खूबसूरती से असल में. तो हमें भी डरा दिया, कह लगे नहीं नहीं इनको कास्ट नहीं कर सकते, ये तो कोई ज्यादा ही ब्यूटीफुल है यार. ये तो हमसे एक आदमी है जो बिल्कुल नहीं डरे इनकी खूबसूरती से. मैं बुलाता हूं उनको. आइए सर, हिम्मत वाले साहब. आपने किरण का कौन सा काम देखा था जिसके बाद आपने इनको और अनुपम को भी सालगिरह में कास्ट किया? मैंने इनके प्लेस तो देखे थे, चंदनपुर की चंपा भाई मैंने देखा था. लेकिन जहाँ तक कि मेरा जो इम्प्रेशन था किरण का वो दो किस्म का था. एक तो ये था कि हम लोग जब पृथ्वी थिएटर में बैठे रहते करते थे तो हमारी आंखें सेकते थे हम लोग किरण खेर को देख. किरण ठाकुर सिंह थी उस ज़माने में. तो मेरा हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि अगर समर ऑफ 42 बनाना है तो वो किरण खेर के साथ बनाना, क्योंकि एक किस्म की फैंटेसी थी कि ये किरण खेर अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो क्या क्या हो सकता है. तो ये एक अपना किरण खेर के साथ में था. लेकिन जब ये बात मेरी तरफ आई, जब हमने पहले कास्ट अनुपम को किया गया था, क्योंकि अनुपम बहुत माहिर एक्टर हैं, बहुत ही मंझे हुए और उस रोल में बहुत जचते हैं और उस रोल में बिल्कुल फिट थे वो. तो जब ये बात मेरी तरफ आई कि किरण को लेना है तो मैं ज़रा थोड़ा स्केप्टिकल था, क्योंकि मेरे इंप्रेशंस कुछ बहुत ही कन्फ्यूज थे. सो बिटवीन माई ओन फीलिंग्स टूवर्ड्स हर एंड माई इम्प्रेशन अबाउट हर, और उसके साथ साथ इनके बारे में इनका टेम्परामेंट भी जो था वो काफ़ी फेमस था कि किरण जी है वो एक किस्म का टेम्परामेंट है उनका. तो कई बार ऐसा होता है एक्टरों का रेपुटेशन कम्स बिफोर दे एंटर, सो इनका वो रेपुटेशन था. तो ये जब ऐसी बातें हुई तो मैं बड़ा स्केप्टिकल था. लेकिन जो किरण के अंदर बाद में जब मैंने साथ में काम किया तो एक चीज़ मुझे बहुत क्लियर और बहुत समझ में आई कि किरण के साथ में अगर आप इसलिए काम कर रहे हैं कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं इस चक्कर में कि जल्दी जल्दी काम पटा लें, तो आपका किरण के साथ में कभी जमेगा नहीं, क्योंकि किरण की सर्च इज़ फॉर एक्सीलेंस एंड नॉट फॉर सक्सेस. सो व्हेन यू वर्क विद किरण यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हर सर्च हर न्यूरोसिस इज़ टू बिलीव दैट आई स्टिल हैवन फाउंड द राइट वे ऑफ डूइंग इट एंड दैट न्यूरोसिस दैट अनश्योर क्वालिटी इज द मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटी. लेकिन चूंकि किरण एक ऐसी है कि अगर आप किरण से और कहो कि भाई किरण देखो ये अनुपम खेर का फोकस नहीं है तो ऑन क्यू परफॉर्मेंस है किरण का. यू किरण अनुपम यू डोंट नो व्हाट यू डूइंग. और उसके बाद में 10-15 मिनट के बाद में जो पूरा जो माहौल प्ले में बनता था दैट वाज रियल फॉर माय प्ले. तो किरण ब्रॉट इन रियलिटी थ्रू हर न्यूरोसिस इन द सो ऑफ दोस रियलिटी की एक झलक देखते हैं. अनुपम साहब गौर फरमाएं. बहुत बहुत एक्लेम्ड किरदार था आपका जिसमें आपने बहुत अच्छा काम किया एक बहुत एक्लेम्ड डायरेक्टर के साथ. वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उनसे सुन लें और फिर बात करते हैं.
Hi, Kiran. It's wonderful to see that you're being lauded and applauded in this program. I remember the first time you came to see me, that was many, many years ago, and in walked this absolutely gorgeous creature in a beautiful sari. And of course, the saris remain, and you remain as beautiful as ever. And now, of course, you've got 2 national awards and 1 international award. It's all, everything is going very well for you, and I would like it to go better as the years go on. Because, you know, the most important thing about you, I think, is that you're so dedicated and focused in your work. And that experience I had when you did Sardari Begum with us, well, all those things come back to me, and I hope we will work together again. Meanwhile, of course, enjoy yourself, have a good time, and better work as the years go on. किरण एक और हम मैसेज सुन ले, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछना चाहता हूँ. प्लीज मैसेज देखते हैं. किरण, मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान में काम करना और आयशा का रोल करना एक बहुत बड़ा कदम था आपके लिए, मगर वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से अदा किया और मैं बहुत ममनू हूँ कि आपने हमारी सारी टीम के साथ मिलकर बहुत कुशादा दिली से काम किया. सलीम का रोल भी जो आमिर ने इतनी अच्छी तरह से किया, उसमें भी आपका बहुत बड़ा हाथ था. और मैं चाहती हूँ कि हम दोबारा काम करें साथ में, और इस अवार्ड को जो हमें खामोश पानी के लिए मिला और जो आपको बहुत अच्छी अदाकारी के लिए मिला, ये मेरे ख़्याल से हम सब का मिलजुल के एक एफ़र्ट था. और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोकार्नो में थी उस वक्त जब हमें ये अवार्ड मिला. जो आपकी डायरेक्टर है खामोश पानी, इसके लिए आपको एक्टिंग का अवार्ड भी मिला. कैसा तजुर्बा, कैसा था वहाँ की यूनिट के साथ काम करना? बहुत अच्छा. यूनिट वाज जर्मन, फ्रेंच एंड पाकिस्तानी. देयर वर सम ब्रिटिशर्स आल्सो. इट वाज द टेक्निकल क्रू वाज मोस्टली जर्मन एंड फ्रेंच, बट वहाँ के जो पाकिस्तान के लोग मुझे मिले, और इतने बड़े दिल वाले, इतना प्यार देने वाले लोग, कहाँ कहाँ से ट्रैवल कर मिलने आते थे, एंड दे वर वेरी वार्म. दुकानदार तो चीज़ के पैसे नहीं लेते थे, नहीं नहीं आप तो हमारी मेहमान हैं, जिनको जानते तक नहीं थे. बाकी लोग दे यूज़ टू स्टार्ट देयर सेंटेंस विद, आप तो इतने बड़े मुल्क से हैं. सो दिस होल यू नो फीलिंग ऑफ जेनरोसिटी ऑफ लव विद इन देयर हार्ट्स. खैर, खुदा का शुक्र है हम आर्टिस्टों में तो ये सरहदें और ये दीवारें कम हैं. यू स्टार्टेड लेट इन लाइफ, फॉर्चुनेटली फॉर यू एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सो मच टैलेंट दैट यू हैव, यू हैड लाइक 3 or 4 वेरी मेजर परफॉर्मेंसेज. डू यू रिग्रेट दैट यू स्टार्टेड लेट? I have no regrets that I gave that time to Sikandar or that time to Anupam, because work is very wonderful, but real life is beyond the studios. Sure, well said. Kiran se bahut bahut si baatein karni thi, lekin hamari apni waqt ki pabandiyan jo hain haail ho jati hain. Ek baat jo bahut se logon ne kahi bhi aur ab jo zahir bhi hui, aap logon par bhi hui hogi zahir, के भरे पूरे दिल से काम करने वाली और ज़िंदगी को भी बिल्कुल आंखों में आंखें डाल कर जीने वाली किरण खेर एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है, और हमारा ये मानना है कि बहुत अच्छी इंसान भी है. किरण, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई. थैंक यू सो मच, इट्स बीन वंडरफुल. अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आदाब.